नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, तो आपको कई सारी चीजें समझ में आती होगी और कई सारी चीजों को आप बढ़िया तरीके से जज कर पाते होंगे और उस चीज को एनालाइज भी कर पाते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यूट्यूब में ये होती है कि आप जो है कोई चैनल पे काम कर रहे हैं और अचानक से उस चैनल पे काम करना बंद कर दिए, तो जो आपका ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। और फिर लॉन्ग टाइम के बाद जब आप अपने चैनल पे काम करते हैं तो वो व्यूज गेन नहीं कर पाते हैं जो पहले आपके चैनल पर व्यूज आता था, यानी कि आपके चैनल को फ्रीज कर दिया जाता है। और आपके चैनल को जब फ्रीज कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली आपके चैनल का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं आएंगे। तो आज मैं 3 पॉइंट्स के माध्यम से बताने वाला हूं कि आखिरकार आपका चैनल जो है वो क्यों फ्रीज हो जाता है। आपके चैनल पर मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका चैनल ग्रो नहीं होता है, आपके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, आखिरकार इसकी वजह क्या है? 3 पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी को लेकर। जी हाँ, अगर आपने YouTube पे काम कर रहे हैं, YouTube पे काम करते 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 आप जब काम कर रहे हैं तो डेली एक नई वीडियो डालते हैं, डेली 2-4 वीडियो डालते हैं, तो उसके चलते क्या होता है कि नए नए सब्सक्राइबर, नए नए यूजर्स, नए नए व्यूवर्स जो होते हैं वो आपके चैनल के साथ जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे करते लोग आपके साथ जुड़ते नजर आते हैं। लेकिन कभी होता क्या कि अचानक से आप अपने चैनल को बंद कर दिए, यानी कि आप उस चैनल पर काम करना ही बंद कर दिए। तो जब काम करना बंद कर देते हैं तो आपका चैनल धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है, यानी कि जो पहले रेशियो में आपके साथ सब्सक्राइबर, न्यू यूजर्स, न्यू व्यूवर्स जुड़ रहे थे वो कम हो जाएंगे और कुछ समय बाद, 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद जो है सारे यूजर्स आपके चैनल से इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब आप काम करेंगे 4-5 महीने बाद तो आपका चैनल पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा और आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। तो ये एक वजह होती है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं देन आपका जो यूट्यूब चैनल है वो फ्रीज हो जाता है। तो ये पहला चीज हो गया जिसकी वजह से चैनल फ्रीज हो जाता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई चैनल पे काम करना शुरू किया, ठीक है, काम करना शुरू किया और आपके चैनल पे काफी ज्यादा बेहतर व्यूज आ रहे हैं और हुआ क्या कि आप जो है फेक खबर दे रहे हैं, फ्रॉड खबर दे रहे हैं, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सही जानकारी नहीं है। तो जब ऐसे अगर आप काम करने लगते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए चीजें जो होती है वो वैलिड होती है। जब आप ऑथेंटिक सही इंफॉर्मेशन और लोगों को जो रिक्वायरमेंट हो वो अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर जो है वो आपके नोटिफिकेशन को जब जाएगा तो उसको जो है रिप्लेस कर देते हैं और उसको नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। तो जब भी आप अपने चैनल पे काम करें, कोशिश करें कि आप एक ऑथेंटिकेशन और सही तरीके के जो रियलिटी है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि जो ऑडियंस है उसका ट्रस्ट आपके चैनल पर बना रहे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका चैनल फ्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर आप चैनल पे ऑथेंटिकेशन और वेरीफाइड चीजें नहीं अगर आप देते हैं तो फिर आपके चैनल पे जो व्यूअर्स हैं वो भाग जाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपका कोई टेक्निकल चैनल है, आपने टेक्निकल चैनल चलाना शुरू किया और एक थीम डिसाइड कर लिया कि मुझे यूट्यूब टिप्स की जानकारी देनी है, यूट्यूब टिप्स दे रहे हैं तो आपके चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, चैनल का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन कुछ महीने बाद आपने राजनीति की खबर डालने लगे, आपने मनोरंजन का खबर डालने लगा, आपने स्पोर्ट्स का खबर डालने लगा, तो होता क्या है कि देखिए कोई भी जब यूजर्स आता है तो आपके चैनल को देखता है, माइंड चेक करके आता है कि चलो इस चैनल पे जो हमें जानकारी चाहिए वो प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन आपने तो टेक्निकल, आपने तो YouTube की टिप्स के लिए चैनल बनाया था, लेकिन बाद में अलग टॉपिक पे आपने वीडियो बनाने लगा, जिसकी वजह से जो सब्सक्राइबर है उनका जो माइंड सेटअप है वो टेक्निकली को लेकर है, वो YouTube टिप्स को लेकर है, लेकिन अचानक से आप उस पर अलग चीजें डालने लगे तो उनका माइंड जो डाइवर्जन है वो होगा, जिसकी वजह से आपके चैनल पर व्यूज कम हो जाएंगे और आप उनको लग जाएगा पता कि यार ऐसे ही फालतू है या ऐसे ही डालते रहता है, जिसकी वजह से आपके चैनल को नहीं देखेंगे, तो उस समय भी आपका जो चैनल पे व्यूज है वो फ्रीज हो जाता है।
तो ये तीन बड़े पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चैनल आपके फ्रेज हो जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स में आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है ताकि चैनल फ्रेज ना हो। ऑथेंटिकेशन यानी कि वेरीफाइड चीजें अपने चैनल पर दिखाए ताकि सही इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंच जाए, वो करते हैं। तीसरी चीज ये करते हैं कि आप अपने टॉपिक पे फिक्स्ड है, व्यूज नहीं आते हैं, डजंट मैटर, आगे आएंगे, लेकिन आएंगे, लेकिन आप टॉपिक चेंज करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये तीन पॉइंट जिसकी वजह से फ्रीज हो जाते हैं, और ये तीन पॉइंट्स नहीं करते हैं तो आपके चैनल हमेशा चलते रहते हैं और स्पॉन्टेनियसली धीरे 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 रैपिडली जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करते नजर आएगा। तो ये जानकारी था, मुझे लगा कि आप सभी के बीच बताना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।